अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो दोस्तों? आज हम आपको अपने बज्जीस वगैरह दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी हरकतें कर रहे हैं, अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। आज जाते हैं जी बज्जीस के सेटअप पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये अजीब व गरीब हरकत कर रहे हैं हमारे सेटअप पर। इन चीज़ें बहुत फ़नी हरकतें करते हैं अजीब व गरीब, लेकिन उनसे अजीब व गरीब हरकत करते हैं हमारे बज्जीस। फोटो फिर भी थोड़े कम ही करता है, और ये चुटकी बैठी ये भी बहुत ज़्यादा करती है, दाना पानी सब नीचे गिरा देती है। लोबड़ से ये थोड़े कम शरारती हैं, लेकिन रिंग नेक है बहुत ज़्यादा शरारती है। देखें ये देखें, 200 डिश नीचे की हुई है, चूँच से अपने थोड़ा सा आगे कर लिया है, और इनके बॉक्स में अभी तक एग वगैरह आए भी नहीं है। टोटो का मुझे लगता है कि इसकी फ़ीमेल ने एग वगैरह दी हो, इसलिए टोटो की फ़ीमेल निकलती ही नहीं है, टोटो बाहर बैठा रहता है। देखना पड़ेगा यार, टोटो की फ़ीमेल एग तो नहीं दी हुई इसके अंदर, मुझे लगता है यार इसने एग दिए हुए। अब आपको दिखाते हैं हमारे प्यारे फिंचीज और हमारे बज्जीस। सबसे पहले आपको फ़नी हरकत दिखाते हैं अपने बज्जीस की, जो कि सब लाइन बना के बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी आज आपको फ़नी हरकत दिखाने वाला हूँ। खिड़की वगैरह दोस्तों खोल लेता हूँ और देखें, और कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि मेरे बज्जीस के आपको कौन कौन से कलर प्यारे लगते हैं। माशाल्लाह वैसे तो सभी प्यारे हैं, हमारे मिनी जू में ज़्यादा कलर हैं ब्लू, येलो, और जो वाइट है वो बहुत ही कम है, एक वाइट का पीस निकला हुआ है, बाकी हमारे मिनी जू में येलो और ब्लू बहुत हैं, और वैसे हैं भी ये मेरे फेवरेट। देखें दोस्तों माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, ये मेरे फेवरेट है दोस्तों। खिड़की वगैरह खोल लेते हैं, अगर बाहर फ्लाइंग करके आ भी जाएंगे ना फिर भी मैंने पकड़ लूँगा। ये देखें नेचुरल ज़िंदगी इनकी होती है बर्ड्स की, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। येलो वाला देखें, रोटी जब गीली होती है तब खाते नहीं है, जब सूख जाती है तब रोटी खाने पे आते हैं। ये देखें मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये देखें दोस्तों मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखें अब ऐसा 1 बजे कर गएंगे, लेकिन निकलेगा कोई भी नहीं अभी तक बाहर, ना निकले तो अच्छा ही है, अगर निकले भी आए ना फिर पकड़ लेंगे अंदर जा, मैंने रिकवर की हुई है जगह, तो इसलिए जो है ना ये अगर बाहर आ भी गए ना तो इन्हें मैं पकड़ लूँगा। ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों मटकी में एग दिए हो, और एग दिए हुए हैं ना उनके मेरे ख्याल में बेबी शायद निकले हुए हैं, तो उनको ये फीड वगैरह करा रही है सामने जो मटके ऊपर मेल बैठा हुआ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यार, ये ज़्यादा फनी है, ये जो वाइट वाला है बहुत ज़्यादा फनी है, और ये हमारा बबलू ये तो सबसे ज़्यादा फनी है। ये देखें रानी जो है ना अंदर बैठी हुई है, और रानी के जो बेबी है ना उसको फीड करा रहा है, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं यार, वाह माशाल्लाह। इनकी खिड़की वगैरह लगा देते हैं, अगर कोई बार फ्लाइंग कर गया ना तो बहुत ही मुश्किल होगी पकड़ने, पकड़ तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तुम इतना दाना वगैरह ज़ाया क्यों करती हो चुटकी की बच्ची, कितना क्यों ज़ाया करती हो यार, बहुत ज़ाया करती है, अंदर चल कर ना अंदर खेलती है, जैसे बच्चों वाली हरकत नहीं होती उस तरह की हरकत अजीब व गरीब करती है। लबड़ हमारे इतना नहीं करते, जिस तरह की चुटकी बैठी हुई है बहुत ज़्यादा लबड़, ये बहुत ज़्यादा शरारतें करती है। दोस्तों हमारा एक दिल करता है कि हम टोटो के बॉक्स में जाकर चेक करें कि इसकी फीमेल ने अभी तक एग दिए हैं या नहीं दिए, फिर हम अगर हम अंदर जाए ना फिर ये डर जाएंगे, और फिर जितने भी इनके एग आने वाले या आए पड़े हैं फिर उनमें से बेबी नहीं निकलेंगे, इसलिए मैं उन्हें डराता नहीं हूँ। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने कमेंट भी किए थे कि आप बॉक्स वगैरह चेक कर लें, अगर मैं बॉक्स वगैरह चेक कर लूँगा ना तो फिर यार ये एग नहीं देंगे, डर जाएंगे, ये बेबी नहीं निकलेंगे। मुझे बहुत सारे भाइयों ने ऐसे किया है कि इनके थोड़ा सा पीछे पीछे होता हो, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग की मौसम है, फिर ये ना हो ये डर जाए तो फिर यार ये डराते नहीं है। हाँ फिन चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। फिन चीज़ ये देखें लाइन बना के बैठी हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं यार, फिन चीज़ भी बहुत प्यारे लगते हैं, देखें यार ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताने कि हमारे आपको फिंचीज अच्छे लगते हैं, ये हमारे बज्जीस अच्छे लगते हैं, ये हमारे टोटो, ये हमारे लोबर्ड, ये कमेंट बॉक्स में अपने बताने हैं। रिंग नेक के भी बता दे रहे हैं, ये तो देखते तो आप बहुत कम होंगे क्योंकि हर वक्त बॉक्स के अंदर बड़े बैठे हैं, आउट सीजन में बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी तक इन्हें बॉक्स दिया हुआ है हमने। और हमारे फिंचीज जो है ना सब चूल्हा लगा हुआ है इनका, ये टाँनी पर बैठ कर हर वक्त मस्ती करते रहते हैं। और हमारे ये देखें दोस्तों रानी के ना बहुत सारे माशाल्लाह एग आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके एग से बेबी नहीं निकले, जो इनकी बेबी ने दिए थे ना वो एग तो ज़ाया हो गए, अब रानी दोबारा देने पे आई हुई है, देखते हैं ये एग से बेबी निकलते हैं इनके या नहीं निकलते, ये अब हम देखते हैं कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह निकले आएंगे, लेकिन उम्मीद तो है तो 100% कि इनके एग से बेबी अब निकलेंगे, क्योंकि रानी दोबारा एग देने पर आई हुई है। नीचे गंद भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, इन्होंने सफाई वगैरह भी करेंगे, और एप्पल भी पड़े हुए हैं रिंग नेक के लिए, सुबह हम अपने टोटो को भी डाल के गए थे, अब हम बाहर जाएंगे तो टोटो मटर खाने के लिए आएगा, टोटो की फेवरेट डिश मटर पड़ी हुई है, और हमारा रिंग नेक की भी फेवरेट डिश मटर है, और ये हमारे लबर्स बाहर निकले हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों फीमेल हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर ने कमेंट्स में बहुत सारे बताया है कि 7 से 8 जो एग होते हैं ना वो मेल फीमेल नहीं देते, वो फीमेल फीमेल दे देती हैं, 14-14 एग भी थे मेरे मिनी जूम की मटकी में, मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा ये हमारे लबर्स के ना बेबी निकलेंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आए हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों आपके फ़ीमेल हैं,
तो है भी ये फीमेल, क्योंकि इतने सारे एग देते हैं तो इसलिए फीमेल ही है। ये मेल और फीमेल 100% हैं, कंफर्म है, लेकिन इनके भी अभी तक बेबी नहीं है, लेकिन ये दोनों ही फीमेल निकलाई। ये आपकी बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया और मैंने आपको जवाब भी दिया है, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन यार बहुत दुख हुआ, सारे सर्दियाँ हमने इनको रखा अपने पास, सर्दी गर्मी बचा कर रखा, फीड वगैरह बहुत ज़ाया करती थी। जब ब्रीडिंग की आए कलाचे तो देखा तो दोनों फीमेल निकल आए। चले खैर कोई मसला नहीं है, हम नए नए बर्ड्स लेके आएंगे, नए नए पेट्स लेके आएंगे। मिनी जू में जितनी भी जगह है रिकवर करके, ऊपर छाया का बंदोबस्त कर, कूलर पंखे का गर्मी है उनका बंदोबस्त कर, फिर हम अपने बर्ड्स के लिए अच्छे अच्छे पेट्स लेके आएंगे। अभी जाते हैं बाहर, क्योंकि टोटो बैठा हुआ नीचे मटर खाने के लिए, फिर ये ना हो कि वो डिस्टर्ब हो जाए। और लबर्स भी फीड वगैरह खाने के लिए आए हुए हैं, तीन चीज़ भी हम बाहर जाएंगे तो ये घर पर अपने बैठी हैं, ये बॉक्स पर, ये उतर के टहनी पर आएंगे, फिर नीचे वो कंगनी वगैरह खाने के लिए आएंगे, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखें एक दूसरे को फीड दे रहे हैं हमारे बच्चे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल लोथरे में दिया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे प्यारे प्यारे आपको बर्ड्स देखने के लिए मिले। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आपको इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लव बर्ड्स, फिंचेस और हमारे बजीज। टोटो तो मटर खा लो नीचे से, हम जा रहे हैं बाहर।